हाथी आ गया है हमारे पास में, अगल बगल में बहुत घूम रहा है। आप लोग देखकर मतलब रास्ते में चलना, क्योंकि हाथी का किस वक्त किस टाइम में कहां पर आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है उसका, इसलिए मैं आप लोगों को सतर्क कर रहे हूं। पूजा अभी शुरू करेंगे घर में। हाय दोस्तों, राम राम, मैं आप लोगों को स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो दोस्तों है, आज है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है आज, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह नहा धोकर पूरी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज घर में पूजा है, इसलिए श्री जय जगन्नाथ जी की जय। ये एक जंगली हाथी किधर से चले आया है हमारे इस तरफ, नहीं तो पहले कभी भी नहीं आया था, पहली बार ये आया है। बड़ास्ती आंधी का मुके दे इटा इटा राजा हाय बड़ास की गीत की पागल ने झगड़ा में नहीं आ गया दिस चिकन। अरे हाथी बड़ा आई आलू चो आलू चो बोरा पूरी आलू चो खा आ बीड़ी बोरा ए मा बीड़ी बोरा खाबू हां के उजी रे बाबू गया बड़ू उजी बड़ा बा उठ उठ दे उठ दे ओजे ओजे आ मन गया मन गया भाई ये अभी प्याज काट रहे हैं छील कर। प्याज काट कर रेडी कर दिया हूँ मैं, डाल दो प्याज बीरी सुसरे मम्मी क्या बना रहे हो आप? आलू चप बोरा। आलू चप और बोरा। बोरा देखो आपकी मर्जी। मसाला पाउडर, पहले हल्दी पाउडर, अभी लाल मिर्च पाउडर, फिर क्या नमक हो जाएगी के बाद उसके बाद उसको मिलाएंगे। वो पानी नहीं लाया और आलू मसाला बना रही है, थोड़ा सा पानी डालेंगे।
चूल्हा टूट जाएगा अब जैसे कर रहे हैं, ऐसे भी टूटा हुआ है। अभी बीड़ी बना रही है। मुझे सुबह सुबह बहुत भूख लगती है, इसलिए मैंने टिफ़िन के लिए और वेट नहीं किया और एक मुरमुरा लेकर आ गया दुकान से खाने के लिए। उसको भी निकाल रहे हैं और दूसरी बार और एक बार डालेंगे उसको तेल में, क्योंकि वो जो है ना उसको डालेंगे फिर उसको भी डालेंगे, एक साथ में निकालेंगे फिर वो अच्छा रहता है, क्योंकि अंदर पक जाता है, नहीं तो थोड़ा कच्चा रहता है। बीड़ी वगैरह पूरा रेडी हो गई है खाने के लिए, अभी खा के देखेंगे कैसा है उसका टेस्ट। गरम अच्छे हाथ जीवा जली। सुश्री मम्मी आप खाएंगे? माम खाएंगे मम्मी आप? एक लेके जाइए खाइए, उसका टेस्ट थोड़ा बताना आपके मम्मी को कैसा है उसका टेस्ट। तो पूछे। अभी मसाला को गोल गोल करेंगे, फिर उसको बेसन में डुबकी लगाएंगे, फिर उसको तेल में फ्राई करेंगे। फिर तैयार होकर निकलेगा आलू चाप, फिर हम लोग खाएंगे उसको। आलू चॉप पूरा तैयार हो गई, फिर अभी दूसरी बार फिर बनाएंगे उसको, बेसन में डुबकी लगाएंगे, फिर तेल में फ्राई करेंगे।
Продолжение следует...